तो ये रही पीछे वाली गली है हमारी। तो अभी मैं जा रही थी बाहर सब्जी लेने के लिए, और साथ में मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा फ़ोन का जो कैमरा है उसको भी चेक कर लेते हैं कि कैसा इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हो इसका रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो देखो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, अभी तो इन्जॉय कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा सब कुछ कैप्चर किया मैंने बाहर का, क्योंकि बहुत टाइम बाद सब्जी मंडी की तरफ निकली थी मैं। तो ये मंदिर है यहाँ पे, दो देख सकते हो आप, बहुत प्यारे मंदिर है। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया भी है, क्योंकि मैं इवनिंग के टाइम पर इधर ये वाले मंदिर में बैठती हुई हूँ हवा खाने के लिए, जो ये इधर वाले। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का नए डे, नए ब्लॉग और नए फ़ोन के साथ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा नया फ़ोन आ गया है, और उसके साथ मेरा ये मेरे नए फ़ोन के साथ मेरा पहला ब्लॉग है इसमें। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा फ़ोन, और मेरे ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आते होंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मेरा जो पुराना फ़ोन है वो बहुत ख़राब हो गया था। उसका जो मेमोरी था ना, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, बहुत हैंग मारता था, आधे आधे से वीडियो गायब हो जाते थे। तो इसीलिए मेरे को ये फ़ोन लेना पड़ा। वैसे इतना भी बजट नहीं था हमारा, लेकिन मैंने सोचा कि जब फ़ोन लेना है तो थोड़ा ठीक ठाक फ़ोन ले लेते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करे। तो अभी मेरे हस्बैंड डीमार्ट जा रखे हैं कल, क्योंकि मेरे को सत्संग से आते आते लेट हो गया था, फिर मैं जा नहीं पाई डीमार्ट। तो अभी वही जा रखे हैं सामान लेने। तो इधर मैंने बेडशीट चेंज कर लिया है, थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया, किचन भी थोड़ा बहुत काम कर लिया है, और पर्दे वगैरह निकाल रखे हैं धोने के। बाहर की खिड़की के पर्दे रह गए थे धोने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके ही धोती हूँ, क्योंकि कपड़े भिगोने रखती हूँ और झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं डीमार्ट से, हाय कर दो। सामान ला गए पूरा? हाँ सामान ला। चलो ठीक है, तो ये आ चुके हैं, और सबसे पहले जाएंगे फ्रिज में। और ये देखो मैंने कपड़े रखे यहाँ पे धोने के। तो ये आ चुका है मेरा सामान, ये रहा मेरा सर्फ, बेसन, और ये फर्श क्लीनर, और चीनी और राई मेरे को चाहिए थी, और बाकी सारी चीज़ें भी चाहिए, लेकिन इस महीने फ़ोन ले लिया तो बजट थोड़ा सा हिल गया है मेरा। तो अभी जो बेसिक सी चीज़ें मेरे को चाहिए थी वही ली है, तो बाकी चीज़ें देखते हैं धीरे धीरे लूँगी। तो चलो अब थोड़ा बहुत पहले काम निपटा लेती हूँ। तो ये सारा सामान आ चुका है मेरा, और अब मैं जाती हूँ कपड़े धोने को, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो इधर मेरा लंच भी बन गया, और लंच बनाते बनाते मैंने इसको बेसन को इसमें डाल दिया है, निकालने के लिए ईजी होता है। और बेसन का वैसे मैं ज़्यादा यूज़ चीला बनाने के लिए ही करती हूँ, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे कभी चाय के साथ कुछ खाने का मन करता तो मैं बेसन का चीला बना देती हूँ। और अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोगों के साथ भी बेसन के चीले की रेसिपी भी शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। तो मैंने ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा रख देती हूँ। तो ये तो इधर आ गया, और ये चाहा, ये डब्बा था पीनट बटर का, इसमें मैंने चीनी रख दी है, क्योंकि वो थैल मेरे पास बड़ा डिब्बा नहीं है। तो एक तो ये रेगुलर डिब्बा है मेरा चीनी का, तो इसमें चीनी आ गई। और ये रहा सर्फ, तो सर्फ भी मैं ऐसे डब्बे में ही रखती हूँ। तो चलो इसको वॉशरूम में रख के आती हूँ, और खाना भी ठंडा हो रहा है तो लंच भी कर लेती हूँ। तो लंच भी मेरा रेडी हो गया है, लंच में मैंने बनाया है दाल थी और दही, थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी, थोड़े से राइस है। तो चलो आप लोग भी आ जाइए, लंच इंजॉय कीजिए मेरे साथ। तो अभी मैं पहले तो अभी मैं लंच करती हूँ, और आप लोग भी आ जाइए लंच। तो खाना वाना तो हो चुका है मेरा, पर देख सकते हो आप लाइट भी चली गई है, और आज पता नहीं क्या हो गया, मेरे टंकी का पानी भी नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है वो काफ़ी टाइम से ठीक नहीं कर रखा है मैंने, तो इसलिए शायद वो उसकी जो नलियाँ हैं ना उसमें कूड़ा वगैरह बरसात के पानी से फंस गया होगा। तो वो मैं साफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ ऊपर जाने में मेरे को दिक्कत होती है, वहाँ मेरे हस्बैंड ही साफ़ करते हैं उसको। तो अब अगली छुट्टी में जब उनकी छुट्टी होगी तो उस दिन होगा हमारा टैंकी साफ। तो बर्तन भी मेरे वैसे ही पड़े हुए हैं, और कपड़े भी सिर्फ भिगो के रखे हुए हैं, और लाइट नहीं है तो कुछ भी काम नहीं होता है। बस खाना वाना झाड़ू पोछा वगैरह तो हो गया, बस बर्तन और कपड़े मेरे धोने के रह गए हैं, लेकिन लाइट नहीं है। तो ऐसा करती हूँ कि मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो,
और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्ट मी।